हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लास। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरेज क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में कंपटेटिव एग्जाम में पूछता है। चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एमटीएस का लिखा हुआ है। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका है, 15 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए एवरेज है, 15 संख्या का एवरेज कितना है दिया हुआ, 30 है, तो टोटल कितना हो गया, 15 + 45। देखिए तथा अन्य 20 का यानी और 20 है उसका कितना हो गया, एवरेज कितना है, 50 है, तो टोटल यानी कुल कितना हो गया। देखिए 50 में 20 से गुना करेंगे तो 1000। तो पूछ रहा है सभी संख्याओं का औसत, तो संख्या कितना हो गया, आप कहिएगा कि सर 3500 हो गया, और इधर टोटल कितना हो गया, 1450। तो हम लोग से एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज बराबर क्या होता, कुल योग बटा कुल संख्या, तो योग तो हो गया 1450 और संख्या कितना है, 35। तो एवरेज बराबर हम लोग निकाल देंगे, ये कितना बार में कटेगा, देखिए इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आएगा, 5 से काटेंगे 7 मरतबे, और 5 से इसको भी काट देते हैं, देखिए 5 से इसको काटें 7 मरतबे, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 × 2 = 10, 9 = 0 यानी 290 बार में कटेगा। फिर इसको हम लोग 7 से काट देंगे, कितना आएगा, 7 × 4 = 28, 7 × 1 = 7 यानी 3 बचेगा, 0.4 यानी 41.4 आ गया। जिस ऑप्शन में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा बी और सी का औसत आयु 20 वर्ष है, तो ए और सी की औसत आयु का अंतर बताएं। ए प्लस बी का एवरेज कितना है, 25 वर्ष, तो आप टोटल कहिएगा कितना आ गया, 25। देखिए यहां दो आदमी है ए और बी, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। देखिए आप देखिए बी प्लस सी का एवरेज औसत आयु कितना है, 20 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो आदमी इधर भी है और दो इधर भी है, तो देखिए तो 20 दून कितना हो गया, 40। अब पूछ रहा है ए और सी का अंतर, तो हम लोग यहाँ से अंतर कर देंगे, देखिए अंतर लेंगे यानी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस कर रहे हैं तो ए प्लस बी माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बी, माइनस गुना प्लस माइनस होगा यानी सी बराबर, इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ पर भी माइनस करेंगे क्योंकि अंतर, अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ए माइनस सी बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो पूछ तो रहा था यही तो आया, देखिए a माइनस सी का अंतर पूछ रहा था तो कितना आ गया, 10 आया। a और c का अंतर बताएं, तो a और c का अंतर आया कितना, 10। अब ऑप्शन में देखेंगे हम लोग 10, जिस ऑप्शन में रहेगा उसे हम लोग टिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं दिया है, एक ऑप्शन आप बना लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, 10 आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, 60 छात्र की समूह में प्राप्त अंकों का औसत 65 है, आधा छात्र का प्राप्त अंकों का औसत 85 है, तो शेष यानी बचा हुआ छात्र का औसत कितना है। तो देखिए 60 छात्र का एवरेज कितना है, 65 यानी 65 है, तो टोटल कितना होगा, देखिए गुना हम लोग करेंगे, 6 × 5 = 30, 36 × 3 = 39। अब देखिए
आधा छात्र का कितना है 85, आधा छात्र टोटल 60 है तो आधा कितना होगा 30, 30 का एवरेज कितना दिया हुआ है आपका 85, तो इसका मान कितना होगा देखिए 0 होगा, 5 3 15 24 है 25, तो शेष करा तो देखिए शेष कितना छात्र बचा 30 माइनस कर देंगे यहां पर, तो देखिए 0 हो गया 5 3 1। अब देखिए शेष 7 में, तो शेष हम लोग निकालेंगे, शेष का कितना होगा 1350 है, बच रहा है कितना 30, तो 30 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12 3 5 15 यानी कितना आ गया 45, जिस ऑप्शन में रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे टिक करेंगे। लिख लीजिए एक महिला ने 1200 में 60 टॉफी खरीदी, यदि 40 टॉफी का औसत 20 रुपया है तो शेष टॉफी का औसत क्या होगा। देखिए 60 टॉफी का कीमत कितना है, आप कहिएगा कि सर 1200 रुपया, और 40 टॉफी का औसत एवरेज कितना है, 40 टॉफी का एवरेज कितना है 20 रुपया, यानी टोटल कितना हो गया 800 रुपया। तो पूछ रहा शेष का, तो शेष कितना हो गया 40 को टॉफी था, 40 को का 20 रुपया, यानी शेष कितना हो गया 20, शेष कितना हो गया 20 टॉफी। देखिए तो यहाँ भी हम लोग अंतर लेंगे, तो कितना का अंतर आएगा 1200 में से 800 गया तो 400, 400 में 400 रुपया कितना का टॉफी का है 20 का, तो हम लोग एवरेज निकाल देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो आंसर हो गया कितना 20 रुपया, शेष टॉफी का कितना हो गया औसत 20 रुपया हो गया। लिख लीजिए क्वेश्चन है आपका, 9 लगातार सम संख्या का औसत 26 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें, तो देखिए एवरेज क्या है 26, तो मिड टर्म को हम लोग कहाँ लिखते हैं बीच में लिखते हैं। देखिए तो 9 को संख्या एक तो हो गया, तो 4 को इधर हम लोग लिखेंगे डाटा और 4 को इधर लिखेंगे, देखिए 26 है तो इसके आगे क्या होगा सम संख्या, तो 28 हो गया, 28 से 30 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया। अब देखिए पीछे की ओर जाएंगे तो कितना आएगा 24 22 20 18 हो गया, तो सबसे छोटी क्या हो गया 18, सबसे बड़ी क्या हो गया 34, तो हम लोग गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा सबसे छोटी तथा बड़ी का गुणनफल, बड़ी का गुणनफल क्या आएगा 18 गुना 34, देखिए गुना हम लोग कर देंगे कितना बेगा 18 चौका 72, हाथ में रहा 7, 18 तिया 54 और 7 61 हो गया, यानी 612 आएगा आंसर, हो ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब आप चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।